तो दोस्तों इनसे मिलिए। ये है राजस्थान के नागौर जिले में रहने वाले पुरखाराम जी, जिन्हें आज के समय का कुंभकर्ण भी कहा जाता है। ये दोस्तों इस साल के 300 दिन तो सिर्फ सोते ही रहते हैं। असल में दोस्तों ये भाई साहब हाइपरसोमिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है, जो कि बहुत ही रेयर बीमारी होती है। और दोस्तों विशेषज्ञों और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ये बीमारी जिस भी व्यक्ति को होती है उसे खुद नहीं पता लगता कि वह कब सो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और हमारे पुरखाराम जी को ये हाइपरसोमिया नाम की बीमारी पिछले 23 साल से झेलनी पड़ रही है, जिसकी शुरुआत सिर्फ 5 से 7 दिन सोने से हुई थी, जो कि आज के समय में 25 दिनों तक सोते रहने तक पहुंच चुकी है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये व्यक्ति ज्यादातर सोता ही रहता है तो ये टॉयलेट या फिर बाथरूम कैसे जाता होगा। तो दोस्तों पुरखाराम जी की माँ कावरी देवी और इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी का कहना है कि जब इन्हें टॉयलेट या फिर बाथरूम जाना होता है तो ये नींद में ही बेचैन होने लगते हैं, जिसे समझकर वह इन्हें पकड़कर बाथरूम तक ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से पुरखाराम जी का नहाने से धोने तक सब कुछ नींद में ही होता है।